तो हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं वेता हिल पर। हम पहले काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ाई करके आके उसके बाद हम वेता हिल पर पहुँचे हैं। आपको नज़ारा दिख ही रहा होगा कैसा क्या है। अभी हम नीचे जा रहे हैं झील के पास, फिर वहाँ पहुँच के आपको और पास से नज़ारा दिखाएंगे। तो अब हम आ गए हैं वेता झील के पास। तो आपको झील दिख ही रही होगी यहाँ पे काफ़ी। वैसे तो पानी यहाँ पे काफ़ी कम है, इतना ही पानी है। कहते बारिश जब होती है तो झील और ज़्यादा भर जाती है। अभी जो बीच में आपको थोड़ी ज़मीन दिख रही होगी वो उतनी भी ज़मीन नहीं दिखती है। अभी और भी नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके हम तो अब हम और ज़्यादा ही नीचे उतरते हुए जा रहे हैं झील के पास। नहीं, अरे नहीं यार, अबे गिर गया तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा ही टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, आस पड़ोस के जो भी हैं यहाँ पे अपना घूमने आते हैं। तो यही है जो यही है वेता झील, जो हमने इससे पहले जो पहाड़ पे वीडियो बनाई थी। झील पे आने का टाइम होता है 5 बजे से 7 बजे तक का, तो हम अभी आए हैं शाम 5:30 बजे यहाँ पे। तो सिर्फ आप सब लोगों के लिए, इस आप सब लोगों के लिए ही ये सिर्फ वीडियो इतनी टाइम के लिए बनाई है। तो यही है वेता झील। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। ये ऊपर जितना भी है सब पहाड़ है। वहाँ से आए थे तो दोस्तों, मैंने आपके लिए वेता हिल की भी वीडियो बना दी है। इससे पहले वीडियो जो बनाई थी वहाँ पे मना किया था, क्योंकि हम गए थे करीब 1-2 बजे करीब, तो उस टाइम टाइम नहीं होता है आने का। यहाँ पे बोलते हैं 5 बजे से 7 बजे तक का टाइम है यहाँ पे आने का। तो अभी मैं आया था यहाँ पे, अब मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों। अब इतनी वीडियो बनाने काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है, तो अब 6 बज गए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है। तो अब हमने फ़ोटो शूट वगैरह कर लिया है। यहाँ पे व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। अब तो शाम हो गई, सब दिख भी नहीं रहा, अब तो सनसेट भी हो गया। अब हम घर के लिए निकलते हैं। आप नज़ारे का मज़ा लीजिए।
दोस्तों आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो पुणे सिटी का जो लाइट है वो दिख रही होगी आपको हल्की हल्की। वैसे हमें जाते वक्त काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है तो ये आपको लाइट दिख रही होगी, ये हम पहाड़ के ऊपर से देख रहे हैं। तो हम निकल ही रहे थे तो सोचा इसकी वीडियो बना ली जाए, तो अब हम जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम आधे रास्ते पहुँचे हैं वेता हिल से, उतरते उतरते यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, यहाँ पे बहुत तो पहाड़ी के पत्थर भी है तो ध्यान भी रखना पड़ रहा है चलते चलते, तो नीचे भी देखना पड़ रहा है। और हम अभी आधे रास्ते पहुँचे हैं और नीचे उतर रहे जा रहे हैं, फिर नीचे पहुँच के हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो में बने रहना। अभी हमें इससे और ज़्यादा नीचे जाना है, अभी हम आधे रास्ते पे हैं। मेरी भी और आपकी दोनों। तो दोस्तों अभी हम चलते जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, शायद आपको कैमरे में थोड़ा बहुत नज़र आ रहा हो, फ़ोन की जितनी फ्लैश थी वो सारी जला दी है जितनी भी फ्लैश थी। अभी हम आधे रास्ते पर हैं, अभी हम नीचे जा रहे हैं। तो वेता हिल के आप नज़ारे तो ले लिए, जो यहाँ पे झील थी वो भी हमने आपको दिखा दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। वो हम उतरते हुए जा रहे हैं, चढ़ते वक्त तो हमारी हालत ख़राब हुई थी बट उतरते वक्त तो हम अपने आप ही उतर रहे हैं। तो दोस्तों नीचे पहुँच के हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम उतर चुके हैं, अब हम आ गए हैं अपनी बाइक के पास, अब हम अपनी बाइक पर बैठेंगे और यहाँ से निकलेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे एक लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।